सर्वाइकल कैंसर के वजह से हर साल तकरीबन 80,000 महिलाएं अपनी जान गंवा रही हैं भारत में। सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकेंड मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ्स है इन वुमेन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर कैंसर सर्विक्स यानी यूट्रस के मुंह का कैंसर होता है और ये एक वायरस से होता है जिसे कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV वायरस के पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन से। मोस्टली मेन उसके कैरियर्स होते हैं, बट क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, इसके ऊपर बातचीत काफी कम होता है। शॉकिंगली सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल होने के बावजूद सिर्फ 2% महिलाएं हैं भारत में जो इसका प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं, जिसे कि हम पैप भी कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल फॉर्म ऑफ कैंसर। कैसे? पीरियोडिक पैप एंड HPV वैक्सीन से। बट एज आई सेड, सिर्फ 2% महिलाएं इसे अपनाती हैं। क्यों? पैप टेस्ट की जो सैम्पलिंग प्रोसेस है वो थोड़ी सी इन्वेजिव है, प्लस इसमें एम्बैरेसमेंट भी फेस करने पड़ते हैं महिलाओं को। इनफैक्ट गवर्नमेंट एंड NGOs जो मास स्क्रीनिंग कैंप्स कंडक्ट करवाते हैं फ्री में, वहाँ भी ये महिलाएं जाने से कतराती हैं, बिकॉज पूरा दिन उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा उनके टर्न के लिए। तो हम एक ऐसा इनोवेशन लेकर आए हैं जिससे ये पूरे सैम्पलिंग प्रोसेस को हम बेहद ही आसान और ईजी बना सकते हैं, एंड दैट इज सर्विचेक। शायंतिनी प्रमाणिक और मेरा नाम अनिर्बान पालित है और हम प्रैग्माटिक हेल्थकेयर सॉल्यूशंस के फाउंडर्स हैं। हम बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करते हैं। सर्विचेक एक पेटेंटेड सेल्फ सैंपलिंग किट है जिसकी मदद से वुमेन कैन कलेक्ट देयर ओन सैंपल्स प्राइवेटली, कन्वीनिएंटली एंड सेफली। सर्विचेक पहला ऐसा मेड इन इंडिया किट है जिसे इंडियन FDA ने आफ्टर सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल्स अप्रूव किया है। हम अभी प्री रेवेन्यू स्टेज में हैं और जल्द ही कमर्शियल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा हम एक पॉइंट ऑफ केयर स्क्रीनिंग टेस्ट भी डेवलप कर रहे हैं जो एक प्रेगनेंसी किट की तरह इमीडिएट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। हमारी कोशिश है कि किसी भी महिला कोई भी रीजन से सर्वाइकल स्क्रीनिंग से वंचित ना रहे। तो सर्विचेक का शार्क टैंक में बहुत स्वागत है। थोड़ा आप लोगों के बारे में बताइए कि आप लोगों को ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे आपने सोचा ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे? मेरा पिछला एक्सपीरियंस है ऑफ 5 years in biopharma industry. I'm a PhD in biochemistry. Post that, I joined Servicheck. मैं Pragmatic को as MD and co-founder represent करता हूँ। मैंने last 10 years IVD diagnostics में spend किया है, majorly with Roche Diagnostics. 2019 October में जब ये Pragmatic हमने start किया, I left my job at Roche और ये मैंने start किया। और आप दोनों colleagues हैं कि related हैं? Husband and wife. Oh, lovely. इसके अलावा वी हैव अनदर 2 co-founders. एक का नाम है पल्ला पटेल जो एक NGO वर्कर है, उनके पास लॉ की डिग्री है, और एक गायनेकोलॉजिस्ट है, एल्डरली गायनेकोलॉजिस्ट, ही इज मोर देन 70 इयर्स ओल्ड। व्हाट्स हिज नेम? डॉक्टर भगीरथ मोदी। आप अपना डेमो दिखाएंगे जरा प्रोडक्ट का? श्योर, पहले मैं आपको किट्स दे देता हूँ इंडिविजुअली, देन वी कैन स्टार्ट द डेमो। Very clean, very nice packaging. In fact, आपकी जो कंपनी का नाम है Pragmatic, I think it's a great play on words. I love it. Thank you so much. Before मैं आपको एक डेमो दूं, I would like to explain you a little bit about the human anatomy. ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये एक यूट्रस का इमेज है। इस यूट्रस के मुंह पे जो सर्कल देख रहे हो आप, वो सर्विक्स है जिसको हमने यहाँ पे ब्लो अप किया है। जो येलो स्पॉट्स हैं, वो है कैंसरस टिश्यू। ये है एक मेटल स्पेक्यूलम जिसे ट्रेडिशनली गायनेकोलॉजिस्ट यूज करते हैं टू कलेक्ट द सर्वाइकल सैंपल्स। इस चीज को वजाइनल कनाल से अंदर डाला जाता है, जिसके बाद इसको इस तरह से ओपन किया जाता है। इसके अंदर एक ब्रश डाली जाती है और फिर वहां से वो लोग सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये पूरा प्रोसेस काफी एम्बैरेसिंग होता है लेडीज के लिए, काफी महिलाओं को थोड़ा सा पेनफुल भी लगता है। So now we will move to our product, the Servicheck self sampling device. इस डिवाइस को यहाँ तक इसे अंदर डालना होता है। अब अंदर डालने की प्रोसेस को इजी बनाने के लिए एक लुब्रिकेंट जेल प्रोवाइड किया गया है। एक बार ये अंदर डालने के बाद इसको यहाँ पे एक नॉब है जिसको एक लिपस्टिक की तरह क्लॉकवाइज रोटेट करना है। उसके बाद ये बॉडी से बाहर निकलेगा। बॉक्स में साथ में एक ट्वीजर दिया गया है
ट्वीजर की मदद से ब्रश के बेस को हम पकड़ेंगे और इसको प्रेस कर देंगे। ब्रश निकालने के बाद इसे हम इसके अंदर ड्रॉप कर देंगे और इसे वापस किट में रख देना है। जो यूज्ड स्पेक्युलम है उसको बायोहजार्ड वेस्ट डिस्पोजेबल बैग उसके अंदर डाल के इसे भी किट के अंदर वापस रख देना है। उसके बाद द लेडी हैज़ टू कॉल अस, हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनके घर पे जाके किट पिकअप करेंगे और जो सैंपल कलेक्ट किया गया है उसको टेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा। दिस इज ब्रिलियंट, मैंने स्टेप बाई स्टेप सब फॉलो किया एंड द ईज ऑफ यूज इज रियली गुड। अगर वैक्सीन लगा रखी हो तो ये टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? HPV के बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं जिसमें से काफी सारे हाई रिस्क होते हैं। अबाउट 17 टू 18 टाइप्स आर हाई रिस्क टाइप्स। अब जो वैक्सीन्स हैं वो इधर 4 सब टाइप्स या 9 मैक्सिमम 9 सब टाइप्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। तो जो बाकी हाई रिस्क वायरसेस है उसके अगेंस्ट अभी भी प्रोटेक्शन नहीं है इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द वैक्सीन। तो जो पैप टेस्ट है ये तो करवाना ही होता है, पीरियोडिक पैप टेस्ट इज अ मस्ट। और कब आप रेकमेंड करते हैं टेस्ट कराने? ऑल हेल्दी वुमेन को ये टेस्ट आइडियली करवाना चाहिए। यार एक बात बताइए, हाउ डज दिस स्टार्ट इन मेन इन द फर्स्ट प्लेस? 80% ऑफ द लेडीज और मेन विल समहाउ सम हैव सम एनकाउंटर विद HPV। 80%? यस 80%, बट उनको पता भी नहीं चलेगा बिकॉज़ वो क्लियर ऑफ कर देंगे वायरस को। अच्छा वायरस मैनिफेस्ट नहीं होगा, एनकाउंटर होगा। एनकाउंटर होगा। अगर वुमेन का इम्यूनिटी लो हो तो उस कारण ये वायरस मैनिफेस्ट होके वो सर्वाइकल रीजन। क्या हो अगर हम पीनाइल कैंसर की बात करें? हाँ जी। इट इज वेरी रेयर। और इसी सेम वायरस से हो सकता? जी हाँ। वाओ ओके। तो नॉर्मली टेस्ट अगर कराना भी होगा तो नॉर्मली लोग डॉक्टर के पास जाके कराएंगे क्योंकि इससे फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव आने के भी चांसेस। करेक्ट। तो हमने ये पॉजिटिव परसेंटेज एग्रीमेंट वाली जो स्टडी है ये हमने ऑलरेडी करी हुई है और इसमें हमें 95% एग्रीमेंट मिला है। तो 95% एक्यूरेसी आई आपकी? या समझ। तो आप इसको मार्केट में कैसे लेकर के जाएंगे? इमीडिएटली जो हमारा प्लान है दैट इज अ वेरी सिंपल डायरेक्ट सेल्स मॉडल जो ऑलरेडी हमने बात कर चुकी है लैब से, NGO से और हॉस्पिटल से। जो हम ये किट सिर्फ उनको देंगे एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ देयर एग्जिस्टिंग मशीनरी। आपका प्राइस क्या है? हमारी प्राइस 250 रुपीज है। और कितने का होता है मतलब टेस्ट का कॉस्ट कितना होता है? सो HPV जो टेस्ट है कितना पड़ेगा? HPV जो टेस्ट है वो करीबन 3000 रुपीस का होता है। 3000 इज वेरी एक्सपेंसिव, डोंट यू थिंक दैट्स योर बिगेस्ट चैलेंज? देखिए द टैम फॉर दिस इज एक्सट्रीमली हाई। 20 करोर वुमेन इन द एज ऑफ 25 टू 60 आर द एक्चुअल टैम राइट नाउ इन इंडिया। नहीं यार आप गलत बोल रहे हो, नंबर गलत बोल रहे हो। टैम इज डिफाइंड बाय हु कैन अफोर्ड दिस टेस्ट। 3200 का टेस्ट 20 करोर महिलाएं कर ले, इंपॉसिबल राइट? देखिए 3000 जो दो पे करने वाले हैं दैट मेन पॉपुलेशन इज इन द अर्बन पॉपुलेशन। बहुत छोटी पॉपुलेशन है एंड दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट व्हाई वी आर आल्सो डेवलपिंग द स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि 450 रुपीस में दोनों सैंपलिंग और स्क्रीनिंग साथ में होगा। सो 450 इंस्टेड ऑफ 3000। यस नाउ यू आर टॉकिंग। एग्जैक्टली एंड ये एक बहुत बड़ा हमारा बैरियर ऑफ एंट्री भी है। पर ये बन चुका है या बन रहा है? इट इज इन द R&D स्टेज। विदिन 2 इयर्स वी विल बी एबल टू रीच द मार्केट। 2 साल यहां से। बट वी बिलीव दैट एक तो अगर इन्वेस्टर का हमें कोई बैकिंग मिले जिससे रेगुलेटरी प्रोसेस ईज डाउन हो, वी डेफिनेटली बिलीव दैट दिस 2 इयर्स कैन बी रिड्यूस्ड। बट इसको बनाने में 4 साल लग गए। इट्स नॉट बिग इनोवेशन। एब्सोल्युटली नॉट। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज़ मैंने भी जब जॉब छोड़ा था मुझे लगा कि 2 साल में मेरे को ये कंपनी रेवेन्यू होके मेरे को फिर वी कैन स्टार्ट। बट इनिशियली सबसे पहले हमें रेगुलेटरी पास करना होता है और इसमें कोई भी ह्यूमन में टेस्ट करने से पहले हमें उनका डेटा दिखाना पड़ता है कि हमने कैसे डेवलप किया। इनोवेशन पे टाइम नहीं लगा, ट्रायल्स पे ज्यादा टाइम लगा। यस अप्रूवल्स। तो तब तक आपने 4 साल तक कैसे अपना सैलरीज के साथ थी और आपने कोई इन्वेस्टमेंट रेज करी है? सो थैंकफुली वी गॉट अ फंडिंग फ्रॉम आवर इंक्यूबेटर वेंचर सेंटर जो कि पुणे में है, वहाँ से हमें 30 लाख का इन्वेस्टमेंट मिला। कितना ओनरशिप किया था? 10% एट 3 क्रोर्स पोस्ट मनी। वहाँ से लेकर अभी तक हमने 2.2 क्रोर के ग्रांट्स टू इन टोटल रेज किए। इक्विटी स्प्लिट आपने बताया अपना? मेरा और पलना का इक्वल है 26.5 और शायंत्री आपका कितना इक्विटी है? 17%। देन डॉक्टर मोदी इज 20%। उन्होंने पैसे डाले? हाँ। कितने पैसे डाले? मतलब इनिशियली हम सब ने 13 लाख एक बूटस्ट्रैप किया था। कितना कैश अभी पेंडिंग है आपके पास? देखिए हमारे पास अभी टोटल 27 लाख है अवेलेबल।
अभी हम जो इन्वेस्टमेंट मनी रेज कर रहे हैं दैट इज मेनली टू फॉर द कमर्शियल लॉन्च ऑफ द सर्विकल, ये जो किट है सेल्फ सैंपलिंग के किट है।